दोस्तों आईपीएल 2018 में संजू सैमसन ने ठोका 50 शॉट देखकर कमेंटेटर ने भी कहा कितना टैलेंटेड है ये आदमी। आईपीएल 2018 में राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर टीम में अपनी पारी के दौरान संजू सैमसन ने कई दर्शनीय शॉट लगाए। संजू ने मिड ऑन पर एक ऐसा शॉट लगाया जिसकी तारीफ कमेंटेटर ने भी बहुत करी। आईपीएल में खेले गए दूसरे प्लेऑफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को 25 रनों से मात दी। इस हार के साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम का आईपीएल के इस सीजन में सफर खत्म हो गया। वहीं कोलकाता की टीम ने आईपीएल खिताब जीतने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। बुधवार शाम को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए मैच में कोलकाता की टीम का दबदबा रहा। हालांकि राजस्थान की तरफ से अच्छी चुनौती पेश की गई, लेकिन अपनी बल्लेबाजी के नाकाम रहने के चलते राजस्थान अपनी इस मुकाबले में पिछड़ गया। राजस्थान की तरफ से सिर्फ संजू सैमसन और कप्तान अजिंक रहाणे ही कुछ चुनौती पेश कर पाए। खासकर संजू सैमसन ने अपनी पारी को काफी बेहतरीन तरीके से पेश की और संजू सैमसन जब बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि राजस्थान मैच निकाल लेगी, लेकिन संजू सैमसन के आउट होते ही राजस्थान की पारी लड़खड़ा गई। संजू सैमसन ने राजस्थान की तरफ से 131 के स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50 रनों की पारी खेली। हालांकि 50 रन बनाते ही संजू सैमसन पीयूष चावला के शिकार हो गए। अपनी पारी के दौरान संजू सैमसन ने कई दर्शनीय शॉट लगाए। संजू ने मिड ऑफ पर एक ऐसा शॉट लगाया जिसकी तारीफ कमेंटेटर ने भी की। इस दौरान कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने तो संजू सैमसन को बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी बताया। वहीं अन्य कमेंटेटर माइकल क्लार्क और साइमन डूल ने भी संजू सैमसन की जमकर तारीफ करी। अपनी 38 गेंदों की पारी के दौरान संजू सैमसन ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। बता दें कि कल खेले गए मैच में कोलकाता की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था। कोलकाता की तरफ से कप्तान दिनेश कार्तिक ने 52 रनों की पारी खेली। वहीं आंद्रे रसल ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। रसल ने सिर्फ 25 गेंदों में 49 रन बनाए। वहीं निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम सिर्फ 144 रनों पर ढेर हो गई। राजस्थान की तरफ से कप्तान अजिंक रहाणे ने 46 और संजू सैमसन ने 50 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर सका और राजस्थान की टीम को इस मैच से पराजय झेलनी पड़ी। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट आईपीएल टीम में एक उभरते हुए सितारे के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी चाहते हैं हम लोग के साथ शेयर करना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।